अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर लोकसभा में अपनी दमदार स्पीच से विपक्ष को धो डाला। उनकी बातों से विपक्ष को ऐसी मिर्ची लगी कि सब अपनी सीट से उछल पड़े। अगर आप भी उनके वीडियो की इंपॉर्टेंट बातें मिस नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। और हाँ, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस बार के लोकसभा इलेक्शंस में जब से कांग्रेस की 99 सीट्स और 20-25 पार्टीज मिलाकर इंडी गठबंधन की 232 सीट्स आ गई हैं, तब से ये लोग हवा में उड़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे इन लोगों की मैथ्स के अकॉर्डिंग 99 नंबर 240 से बड़ा होता है। राहुल गांधी को देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो LOP नहीं, देश के प्रधानमंत्री ही बन गए हैं। वो अपनी स्पीच में कुछ भी बोलें, कुछ भी करें तो सब सही है, लेकिन सत्ता पक्ष में से अगर कोई कुछ भी बोल दे तो इनको मिर्ची लग जाती है। अब देखिए, इसी बात पर बवाल मचा हुआ है कि राहुल गांधी से उनकी जाति कैसे पूछ ली। अखिलेश यादव भी बहुत भड़के। जब ये लोग पत्रकारों से, सेना से उनकी जाति पूछते हैं और तो और जाति के नाम पे वोट मांगते हैं तो ये इनका मास्टर स्ट्रोक, और अनुराग ठाकुर ने इनकी जाति पूछ ली तो ये इंसल्ट हो गई। ऐसे ही राहुल गांधी ने अपनी पिछली स्पीच में कमल के फूल को उल्टा सीधा बोला और महाभारत और अभिमन्यु पे भी बहुत ज्ञान दिया, तो अनुराग ठाकुर ने उनकी इस बात का भी बड़ा मजेदार जवाब दिया। ये कमल, इससे जुड़ा हुआ नाम राजीव भी है, और राजीव आप जानते हैं किसका नाम है, तो क्या उनको भी बुरा समझते? क्यों? और केवल रील के नेता मत बनिए। कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। कभी महाभारत, अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं पर देखा भी नहीं होगा शायद। इसके बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्होंने इस बार एक नई महाभारत पढ़ी है जो कांग्रेस के ही एक नेता शशि थरूर ने लिखी, और उस नॉवल का नाम है द ग्रेट इंडियन नॉवल। इस नॉवल में इससे जुड़ी अनुराग ठाकुर ने ऐसी ऐसी बातें बोली कि कांग्रेस पार्टी चारों खाने चित्त हो गई। जब राहुल जी को इसका पता चलेगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शशि थरूर जी पर कार्रवाई ना हो जाए। राहुल गांधी ने अपनी पिछली स्पीच में बजट के हलवे का भी खूब मजाक बनाया था। अनुराग ठाकुर ने इसके जवाब में कांग्रेस पार्टी को उसके सारे स्कैम्स के हलवे गिना दिए, जैसे 2G स्कैम, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, यूरिया स्कैम, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, लिस्ट बहुत लंबी है। और फिर लास्ट में उनसे बड़ी ही मजेदार बात पूछी। राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? और फिर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बार बार बीच बीच में पर्ची से देख के बोलने वाली बात पे भी बहुत ही बढ़िया कटाक्ष किया। उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। अगर आप ऐसा कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।